हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस साप्ताहिक वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पिछले सप्ताह के क्या कुछ ऐसे करंट अफेयर्स रहे हैं, यानी कुछ ऐसे खबर रहे हैं जो हमें समझने चाहिए। साथ ही उनमें से किसी एक खबर पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा हमारे आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो आइए देखते हैं कि वो करंट अफेयर्स क्या है। शुरुआत करते हैं बहुत ही एक अच्छी खबर के साथ। भारत की मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीत लिया है। सबसे पहले भारत ने इस खिताब को 1966 में जीता था रीता फारिया के प्रतिनिधित्व में। उसके बाद 1994 में ऐश्वर्या राय ने, 1997 में डायना हेडन ने, 1999 में युक्ता मुखी ने, 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने और अब जाके 2017 में हरियाणा की इस लड़की ने इस खिताब को जीता है। आपको बता दें कि 2017 का जो ये खिताब ऑर्गेनाइज किया गया था ये चाइना में हुआ था, चाइना के सान्या शहर में। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। जापान ने घोषणा की है कि अगले साल 1 जनवरी 2018 से भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा रूल्स काफ़ी रिलैक्स कर दिए जाएंगे। ऐसा भारत और जापान के बीच के निकट संबंधों को देखकर कहा जा सकता है कि अब इनके बीच जो भी दूरियां रही है और हमारे संबंध अब इतने मजबूत होते जा रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे नियम कानून जो कि दूसरे देशों के लिए हैं भारत के लिए भी थे, वो शायद अब और भी ज़्यादा रिलैक्स होंगे। इंडियन रेलवे ने अपने कर्मचारियों के स्किल डेवलपमेंट और उनके इन्हांसमेंट के लिए प्रोजेक्ट सक्षम की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट सक्षम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगी जो कि उनमें एक एडिशनल स्किल को उनमें दिया जाएगा, इम्पार्ट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि बैंक ऑफ अमेरिका के तहत रिलीज किया गया है, जिसके तहत ये बताया गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये अभी जो हाल में है जितने भी रिफॉर्म्स किए हैं, जो कि GST है, डिमोनेटाइजेशन है, जो भी तरह तरह के और भी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, ऐसी सभी रिफॉर्म्स को देखते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती फिल्म के विरोध में दायर PIL को खारिज कर दिया है और बताया है जब तक कि ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास नहीं जाएगी और वहाँ से पास या फेल होके नहीं आएगा तब तक वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और आपको पता होगा कि किस तरह से पूरे भारतवर्ष में इस फिल्म को लेके एक हंगामा हो रहा है, एक विद्रोह हो रहा है। तो आज का हमारा ये टॉपिक होगा, क्या ये जायज़ है? किसी भी फिल्म जो कि किसी भी पात्र और काल्पनिक पात्र पर बनी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो क्या उसके लेके किसी भी तरह का विद्रोह जो कि हिंसात्मक हो कहीं से भी जायज़ है? बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा मैं नहीं कहता, ये संविधान कहता है। संविधान कहता है कि हर नागरिक को, हर यहाँ के सिटीजन को उनके भाषा का अधिकार है, उनके रहने सहने का अधिकार है और वो उनके कार्य की भी स्वतंत्रता है। तो अगर कोई फिल्म बनाता है तो ये उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन इसके साथ ही सरकार पे भी इसकी एक युक्तियुक्त निर्बंधन का भी जो आर्टिकल 15(2) में कहा गया है कि अगर सरकार ने देखा कि ये मोरालिटी, डिसेंसी और पब्लिक ऑर्डर के विरुद्ध जा रही है कोई चीज़ें, तो वो उसके ऊपर लगाम लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, जबकि सरकार की तरफ से ऐसी कोई कदम नहीं उठाई गई। तो फिर ऐसा क्या है? ऐसा भी नहीं है कि ये जो पद्मावती मूवी है उसके खिलाफ हंगामे, जो विद्रोह हो रहे हैं, ये कोई पहला है। ये तो आज़ादी से पहले और उसके बाद से लगातार चलते आ रहा है। अगर आपको ये याद होगा कि किस तरह किस्सा कुर्सी को इमरजेंसी के टाइम में बैन कर दिया गया था, उसके बाद किस तरह से विश्वरूपम, उड़ता पंजाब, लिपस्टिक अंडर मै बोरका, ऐसे तमाम ऐसी फिल्में थी जिनको लेके काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए, कहीं ना कहीं सीन को काटा गया, कुछ फिल्मों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, तो ऐसी तो इंडिया में होते ही आ रही है। तो हमारा जो ये आर्ग्यूमेंट है ये नहीं है कि पद्मावती फिल्म क्या है, नहीं है। हमारा एक आर्ग्यूमेंट होगा एक एंटायर फिल्म को लेके, एक एंटायर सेंसरशिप को लेके, कि ये सेंसरशिप का हक किसे दिया गया। इस सेंसरशिप का हक तो सिर्फ सेंसर बोर्ड को है, CBFC के पास है, जिसे 1952 में बनाया गया था। इसके बाद अब कभी कभी सेंसर बोर्ड ने भी काफ़ी फिल्मों में कट लगाई है, इसको भी लेके काफ़ी कमिटीज़ बनी है। हाल ही में आपको पता होगा कि श्याम बेनेगल, जो 2016 में इस सरकार ने श्याम बेनेगल के लीडरशिप में एक सेंसर बोर्ड के खिलाफ, कि अगर सेंसर बोर्ड किसी फिल्म में कट करता है तो उस पे क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या कोई और मोटिवेशन है, इसको देखते हुए ही सरकार ने श्याम बेनेगल के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई है। इसका रिपोर्ट आएगा, हम देखेंगे। तो बहुत सारे लोगों से हमें ये सुनने को मिला है कि किस फिल्म को बैन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अपने अपने उनके टिप्पणी होते हैं, उनके अपने स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन
सरकार को संविधान का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट संविधान के तहत ही चलती है। इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि किसी फिल्म में बैन करना, किसी फिल्म में सीन को काटना, ये सिर्फ और सिर्फ सेंसर बोर्ड का विशेष अधिकार है और ये सारे अधिकार सिर्फ उनको दिए जानी चाहिए। अगर आप नहीं खुश हैं तो इसके ऊपर भी एक एपीलेट ट्रिब्यूनल है, वहाँ जाके आप इसको पास या फेल करने के लिए सरकार से दरख्वास्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन हो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे अगले सप्ताह आपसे एक नए करंट अफेयर्स के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं हमारे जागरण जोश वेबसाइट पे जाके करंट अफेयर सेक्शन में। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।